एजेंसी न्यूज। हैदराबाद शहर में प्राइवेट दवाखानों के अंदर लूटमारी, कोरोना के नाम पे ठक रहे हैं हर हॉस्पिटल वाले पैसे, मुंह मांगी रकम। ये हो गया है अब प्राइवेट हॉस्पिटलों का कोविड माफिया। तो किस तरह से, क्या कानून को चाहिए कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर लगाम लगाए कि या अपनी मनमानी के वसूली रकम लेते रहे? चाहिए कि हुकूमत को दवाखानों के ऊपर कड़ी निगरानी रखे? नहीं है गवर्नमेंट का डर या खौफ? आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मेरे वालिद का इलाज ये प्रीमियर हॉस्पिटल में करा रही हूँ। 21 अप्रैल के दिन मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उनका 2 दिन जो है नीचे जनरल वार्ड में रखे थे। वो जनरल वार्ड में रखने के बाद क्या करें, इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा, आईसीयू होना बोल के बोले तो हम लोग आईसीयू के लिए 2 दिन फिरे बाहर, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तक भी एडमिट कहीं भी नहीं करे, बड़ा नहीं है बोल के बोले। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, फिर इधर इन लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम लोग प्लीज़ आपसे अर्जी करते हैं, हम लोग को बेड दीजिए। हमारे जान के वालिद है हमारे, वो तो रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरी दिन में आके बोले हाँ एक बेड खाली हुआ, आप आ सकते हैं बोल के बोले। हम नीचे आईसीयू में लेके के बाद 7 दिन उनको आईसीयू में रखे। 7 दिन रखने के बाद थोड़ी रिकवरी आई बोल के उनको बाहर निकाले। जब हम लोग इधर आए थे पहले दिन, जब मेरे वालिद के लंग्स 70% ख़राब थे, फिर उनको 7 दिन के बाद जब आईसीयू में निकाले थोड़ा रिकवरी हो रही बोले। वो रिकवरी होने के टाइम पे 2 दिन उनको जनरल वार्ड में ला के रखे। जनरल वार्ड में ला के रखते कि सडनली रात को 1 बजे रात को इनकी तबीयत ख़राब हो जा रही, आईसीयू में फिर से एडमिट करना पड़ता, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग अरेंज कर लो जाके बोल के बोले। हम लोग 2-3 दिन से, ये मेरे भाई है, ये मेरे भोने है, इला 3 दिन से बाइकों पे फिर के हर एक दवाखाना को फिर रहे, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में सुबह 6 हो गई, इनो हमारे बहन आए, बहन आके बोले रिक्वेस्ट करे कुछ भी दूसरे एंटीबायोटिक्स ट्राई करो, लंग्स खराब हो रहे ना बोल के बोले। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो बोले तो जब लोग एक्शन लिए, जब बोले तो थोड़े हाई डोज के इन्फेक्शन दे रहे, फिर हम लोग क्या करें, हाँ तो फिर हम आपको बोले लेके जाओ आईसीयू में बोले तो अच्छी बात है ठीक है, बिल बोलो कितना हुआ बिल, हम लोग उतना क्लियर करके जाते बोले तो एक रात पूरी बिल्कुल लगे। उसके वजह से 1 दिन खराब हुआ हमारा, बेड था 100 वाला चले गया, ठीक है बिल क्लियर कर लेंगे रात को सुबह निकलेंगे बोल के। रात के टाइम पे 5 लाख का बिल बनाए, 5 लाख का बिल रात को बनाए तो सुबह के भी थोड़े बनना पड़ता बोल तो फिर 5,000 अलग बने। 5,00,000 उनको बनने के बाद में हम लगा सुबह में 11:30 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल से निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है, नहीं लेते बोले तो फिर वहाँ से TIMS तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो हॉस्पिटल को गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन लोग बोले हम नहीं लेते, बेड्स अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस में फिर रहे हम लोग आए प्रीमियर हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस का चार्जेस 3,000 लिए उन्हों। वहाँ से के बाद में फिर हम केयर हॉस्पिटल को आए, केयर हॉस्पिटल को आए बाद में उन लोग बोले हम लोग 10,000 लेते बोले। वहाँ से निकल के हम लोग कहीं भी रास्ता नहीं मिला, हर चीज़ हर व्हाट्सअप बुक फेक है, पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे फेक है, कुछ भी नंबर आ दे रहे सब पूरे फेक है व्हाट्सअप के। हम लोग हर चीज़ से कोशिश करें कहीं भी नहीं मिला हमको नंबर, मदद नहीं है जहाँ से ना, नहीं मांग रहे भीख मांग रहे, कहीं भी बेड नहीं मिला हमको। फिर हम लोग रिटर्न यहीं से, सपोर्ट भी नहीं है बट ये लोग समझ रहे भी नहीं। और अभी 2 घंटे मांग रहे लोग और पेशेंट को कुछ ट्रीट ही नहीं करे, सिस्टर मंडरा रही नहीं, कुछ भी नहीं है लोग का, कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद को बस ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगा के बोलते हैं ट्रीट। नर्स चार्जेस कितने हैं, 500 है। कंसल्टेंसी 600। डू यू एवर नो कंसल्टेंसी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितनी होती है, 600 है। चलो कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर ट्रीट करता भाई, उनको एंटीबायोटिक दे रहे ही नहीं थे। उनके 3 टाइम के एंटीबायोटिक थे, 1 टाइम के 4,000 थे, 4,000 का एक एंटीबायोटिक था, दिए ही नहीं, दोपहर का नहीं दिए, शाम का नहीं दिए, लंच नहीं दिए मेरे फादर को। फिर किस चीज़ की फीस मांग रहे भाई आप लोग, क्या बोलना चाह रहे? फाइनली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना गंदा हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर्स के नाम में मैं बोलती हूँ, मैं शाइस्ता है वो डॉक्टर और जो ओनर है वो सिद्धार्थ है ना, डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा, एक नंबर का धोखेबाज और ईगो पर्सन है, रेस्पेक्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है उसको। गिर रहे तो भी उनके सामने चिल्ला रहे, हमारे चिल्ला रहे, हम लोग के साथ आर्गुमेंट कर रहा बंदा, बोलना चाह रहे कि डॉक्टर्स की लापरवाही बहुत लापरवाही। और वो क्या नाम है, रब बोल के नाम है, रब डॉक्टर रब बोल के इतना एटीट्यूड पर्सन है। जब नॉर्मली पेशेंट अगर सामने ठहरे हुए बिल बात कर रहे भाई कुछ तो मदद करो बोल तो उन्होंने नॉर्मली अपने पर्सनल कॉलम पे लगे हुए हैं सबके सब, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं है। हम यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में फिर के यहाँ पे 1:30 बजे आए हमला, दोपहर के 1:30 बजे। मेरे बाबू सिर्फ एक इडली खा के थे सुबह में, यहाँ पे आके इमरजेंसी रूम में रखे उनको। इमरजेंसी रूम में रखने के बाद 3:30 बजे एक नर्स आए,
चिट्ठी ले लेके आए उन्होंने, कितने हजार की, 6000 की, खाली दो घंटे में 6000 की चिट्ठी लेके आए, 500 रुपए का मास्क करते, कंसल्टेशन करते 12,500, हम कहाँ से लाना, आगे दिए वहाँ पे जाके बनो बोल के बोले, हम ना बोले ट्रीटमेंट इच नहीं हुआ है, इमरजेंसी में रखे, खाली ऑक्सीजन लगा के रखे उनको। जस्ट वॉन्ट टू टेल ये हॉस्पिटल में आइंदा कोई भी पेशेंट इमरजेंसी भी रहे तो यहाँ पे मत आओ, बैठे से जगह दो नाशा चले गए, बैठे से जगह चले गए, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ भी सही करना, उनको हेल्थ को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का है, सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का हो गया मेरे वालिद के लिए। हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट ही नहीं हो रहा कुछ भी। कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे, सिर्फ आर्गुमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। हम लोग बोल रहे प्लीज अंडरस्टैंड करो, तो हम लोग अभी अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिए, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आएगा कितनी बदतर रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर खुद वॉर्न कर रहा, मैं नहीं लेता हूँ, मैं चले जाऊँ यहाँ से, मैं लेता ही नहीं, अब मैं रखना ही नहीं चाह रहा हूँ। 5 लाख They are asking that take out your patient. We are not going to provide you any oxygen. They don't have the ICU rooms. Humbleness नहीं है, थोड़ी सी kindness नहीं है, रहमदली नहीं है। अल्लाह का वास्ता भी दिए तो इन लोगों को रहम नहीं आ रहा।